सोनी चिड़िया बहुत नटखट थी। वह अपनी माँ पायल चिड़िया के साथ रहती थी। सोनी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तू घर के पास ही रहना, इधर उधर मत जाना। अच्छा माँ, मैं यहीं पास में खेल रही हूँ। दिन पायल चिड़िया घर पर ही बैठी थी, तभी उसका पड़ोसी कुटकुट कबूतर आया। पायल बहन, तुम्हारी सोनी ने तो नाक में दम कर रखा है। क्या हुआ कुटकुट भाई? अरे मैंने कई महीने से दाना इकट्ठा करके एक बोरी में रखा था ताकि बरसात में दाने के लिए भटकना ना पड़े। कल इसने मेरे जाने के बाद उस बोरी में चोट से सुराख कर दिया, जिससे सारा दाना नीचे गिर गया। उस जंगल के सारे पक्षी मेरा दाना खा गए। नहीं, मेरी सोनी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुकिए, मैं उसे बुलाती हूँ। सोनी, ओ सोनी, इधर आओ। हाँ बोलो माँ, क्या काम है? ये कुटकुट भाई क्या कह रहे हैं? तूने इनका दाना जंगल में बांट दिया? नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहे हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मेरे पास 10 चिड़िया है गवाही देने के लिए। मैं इस मामले को जंगल की पंचायत में लेकर जाऊंगा, तुम दोनों को तब पता लगेगा। अरे कुटकुट भाई, इतनी सी बात है, क्यों बढ़ा रहे हो? ये लो, आप मेरा दाना ले जाओ। यह कहकर पायल कुटकुट कबूतर को एक बोरी दाना दे देती है। उसके जाने के बाद पायल सोनी को बहुत डांटती है। पायल, तेरी शरारतें बढ़ती जा रही है। पहले भी तूने मिट्ठू तोते की सारी मिर्ची पानी में गिरा दी थी। तेरा कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। मुझे माफ कर दो माँ, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। सोच ले, अगर तूने अब शरारत की तो मैं तेरी शादी कालू कौवे से करा दूंगी। कुछ दिन बाद गांव से टोनी कबूतर जंगल में आता है। वह बहुत सीधा साधा था। सोनी चिड़िया को उसके बारे में पता लग जाता है। वह उसे परेशान करने की तरकीब ढूंढने लगती है। जब टोनी कबूतर अपने घर में बैठा था तो सोनी चिड़िया उसके घर पहुंच जाती है। तुम तुम कौन हो? इस जंगल में नए आए हो? मुझे नहीं जानते? मैं जंगल के राजा की खास सेनापति हूँ। इस जंगल में जो भी आता है उसे यहाँ रहने का किराया देना पड़ता है। कल से जितना भी दाना लाओ उसका आधा राजमहल में जमा करा देना। लेकिन मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना। जो जंगल का कानून नहीं मानते उन्हें जंगल की जेल में डाल देते हैं। अब बताओ, कर चुकाना है या जेल जाना है? नहीं ठीक है, मैं कल जाकर आधा दाना राजमहल में जमा करा दूंगा। नहीं कल से हम खुद आकर ले जाएंगे। अगले दिन से सोनी चिड़िया हर दिन टोनी कबूतर से दाना लेकर अपने घर रख लेती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन टोनी कबूतर अपना घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी कुटकुट कबूतर उसके पास आकर जाने की वजह पूछता है। टोनी कबूतर उसे सारी बात बता देता है। उसके बाद दोनों पायल चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं और सोनी चिड़िया की शिकायत करते हैं। हे भगवान, समझ नहीं आता इसका मैं क्या करूं। कुटकुट भाई, आप ही कोई रास्ता बताओ। बहन, तुम मेरी मानो तो उसकी शादी कर दो, शादी के बाद उसे समझदारी आ जाएगी। ठीक है, मैं आज ही कालू कोए से इसकी शादी पक्की करती हूँ। अरे बहन, वह तो एक नंबर का मक्कार है, इससे पहले भी तो शादी कर चुका है और दोनों चिड़िया को मारपीट कर घर से निकाल चुका है। हे भगवान, मुझे तो ये पता ही नहीं था। भाई, फिर आप ही कोई रिश्ता बताओ। अरे बहन, रिश्ता तो तुम्हारे सामने खड़ा है। यह टोनी कबूतर बहुत सीधा है, इसी से अपनी सोनी की शादी करा दो, बहुत खुश रहेगी। कुछ दिनों बाद सोनी चिड़िया और टोनी कबूतर की शादी हो जाती है। शादी के बाद सोनी चिड़िया टोनी से माफी मांगती है और वह शरारत करना बंद कर देती है।